देखिए फाइव आपसे बन जाएगा। कह रहा है एक व्यक्ति ए बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाली राह पर और दूसरा व्यक्ति बी जो है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली राह पर टहलता है। इस स्थिति का ज्यामितीय निरूपण करना। अच्छा चलो इसका भी ग्राफ आपको खींचना है, तो चलो ना यार सीधे ग्राफ ही ले लेते। चलो तो यहाँ दर्शा देते हम लोग, यहाँ पे आपका एक्स एक्सिस, तो माइनस में तो है नहीं, कोई जरूरत नहीं है माइनस में दिखाने के लिए, है ना। चाहे तो आप एक दो बिंदु ले सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं दिख रही मुझे। एक्स इधर आपका हो जाएगा एक्स डैश, यहाँ हो जाएगा वाई और नीचे ले लो वाई डैश। चलिए इस पर हम लोग वैल्यूज को लिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात काफी है, एक दो तीन चार पाँच छ सात काफी है, माइनस में लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, माइनस वन माइनस टू काफी है। चलो ना चलो देखते हैं, एक्स का जीरो वाई का थ्री, एक्स का जीरो थ्री यही हो जाएगा जीरो कॉमा थ्री। अच्छा एक्स का वन और वाई का थ्री, एक्स का वन और वाई का थ्री, ठीक है एक्स का वन है और वाई का थ्री है, तो ये हो जाएगा वन कॉमा थ्री। अच्छा इन दोनों से होकर जाने वाला, इन दोनों बिंदु से होकर जाने वाला पथ यही ना होगा, तो इसी पथ पर यह जा रहा है, या जो व्यक्ति ए है इसी पथ पर जा रहा है, ये व्यक्ति ए का पथ है। अगर आपको इसे यहाँ से समीकरण देखना है तो ऐसे ही यार आपको दिख रहा है कि यह एक्स अक्ष के समांतर जा रहा है और बिंदु तीन से जा रहा है ना, यानी कि इसका समीकरण हो जाएगा वाई बराबर थ्री, अगर दिखाना चाहो तो, लेकिन हमें तो खाली ग्राफ ही बनाना था। चलो अगला देखो, यहाँ पे बी के लिए जीरो कॉमा चार, एक्स का जीरो वाई का चार, जीरो कॉमा चार और एक्स का एक और वाई का पांच, एक्स का एक और वाई का पांच, एक्स का एक और वाई का पांच, एक कॉमा सॉरी एक कॉमा पांच। चलिए समझ में आ रहा है ना, अब इन दोनों से होकर आने वाला रास्ता, तो ये हो जाएगा इधर से ऐसे, यही ना होगा। चलिए यहां से ये ऐसे जाएगा, अच्छा ठीक है। अच्छा अगर इसके समीकरण की बात करें तो देखो ना, इसका वाई का और एक्स का डिफरेंस जो है चार हो रहा है, मतलब वाई माइनस एक्स जो हो रहा है वह चार के बराबर हो रहा है। देख लो पांच में से एक गया चार और चार में से जीरो गया चार। ऐसे समीकरण निकालने के लिए आपको अगले क्लास में सिखाएंगे, क्लास 11 में, कि दो बिंदु दी गई होंगे ना तो उनसे होकर जाने वाले रेखा का समीकरण आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, ठीक है वो दूसरे तरीके से पढ़े थे, वाई बराबर एक्स प्लस बी मानकर हम लोग सीखे थे, उसके बारे में हमें बात ही नहीं करनी, आप ऐसे ही समझो ना। मतलब यहाँ समीकरण तो दिखाना नहीं, अगर दिखाना होता तो ऐसे हो जाता है, या वाई बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस फोर। तो यह इसका पथ हो जाएगा बी के लिए, है ना, व्यक्ति बी के लिए और ये व्यक्ति ए के लिए। तो इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो से ज्यादा लाइक शेयर करेंगे और इस रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको बाकी सारे चैप्टर के लिंक दिए गए हैं, और प्लीज आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।